अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो के जरिए से मैं आपको 2024 में शादी ब्याह की मुबारक तारीखें बताऊंगा। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक यानी हर महीने की मुकम्मल जानकारी, फुल डिटेल दूंगा कि किस महीने में कौन सा दिन शादी ब्याह के लिए अच्छा है। और ये शादी ब्याह डेट्स मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए निकाला है, लिहाजा अगर आपको किसी महीने में शादी की तारीख चाहिए तो पूरी वीडियो जरूर देखें। ये शादी डेट्स मैंने इस्लामिक कैलेंडर यानी सुन्नी जंतरी से निकाला है, इसलिए जो भी डेट मैं आपको बताऊंगा उसमें आप बड़ी आसानी के साथ शादी ब्याह कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जनवरी की 1-2 तारीख को आप शादी ब्याह ना करें, 3 को कर सकते हैं, 4-5 को ना करें, 6 को कर सकते हैं, 7 को ना करें, 8-9-10-11 को कर सकते हैं, 12 को ना करें, 13 को कर सकते हैं, 14-15 को ना करें, 16 को कर सकते हैं, ऐसे ही 17 तारीख को ना करें, 18 को कर सकते हैं, फिर 19 को ना करें, 20-21 को कर सकते हैं, ऐसे ही 22 को ना करें, 23 को कर सकते हैं, ऐसे ही 24 को ना करें, 25 को कर सकते हैं, फिर आप 26 को ना करें, 27 को कर सकते हैं, और फिर 28 को ना करें, 29 30 तारीख को आप बड़ी आसानी के साथ शादी ब्याह कर सकते हैं, और फिर 31 तारीख को आप शादी ब्याह ना करें। दोस्तों, अब अगर बात करें फरवरी की, तो फरवरी की पहली तारीख को आप शादी कर सकते हैं, फिर दूसरी तारीख को ना करें, फिर 3 तारीख को कर सकते हैं, फिर 4 को ना करें, 5 को कर सकते हैं, ऐसे ही 6-7-8-9 को ना करें, 10 को कर सकते हैं, ऐसे ही 11-12 को ना करें, 13 को कर सकते हैं, फिर 14 को ना करें, 15 को कर सकते हैं, ऐसे ही 16 को ना करें, 17-18 को कर सकते हैं, फिर 19 को ना करें, 20 को कर सकते हैं, ऐसे ही 21 को ना करें, 22 तारीख को आप शादी कर सकते हैं, फिर 23-24 को ना करें, 25 को कर सकते हैं, ऐसे ही 26 को ना करें, 27 को कर सकते हैं, और फिर आप 28 को ना करें, 29 को बड़ी आसानी के साथ शादी ब्याह कर सकते हैं। अगर आप मार्च के महीने में जाना चाहते हैं तो आप मार्च की पहली तारीख को ना करें, 2 तारीख को कर सकते हैं, फिर 3-4 को ना करें, 5 को कर सकते हैं, ऐसे ही 6-7-8-9 को ना करें, 10 को कर सकते हैं, फिर आप 11 को ना करें, 12 को कर सकते हैं, ऐसे ही 13-14 को ना करें, 15 को कर सकते हैं, 16-17-18 को ना करें, 19 को कर सकते हैं, और फिर आप 20 को ना करें, 21 को कर सकते हैं, 23 को ना करें, 24-25-26 को कर सकते हैं, और फिर आप 27 को ना करें, 28 को कर सकते हैं, ऐसे ही 29-30-31 तारीख को आप शादी ब्याह ना करें। अब अगर बात करें अप्रैल की, अप्रैल के महीने में अगर आप जानना चाहें कि शादी के डेट्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल की 1 तारीख को आप शादी ब्याह ना करें, 2 को कर सकते हैं, 3 को ना करें, 4-5 को कर सकते हैं, फिर आप 6 को ना करें, 7 को कर सकते हैं, ऐसे ही 8-9-10-11 को ना करें, 12 को कर सकते हैं, फिर आप 13-14-15 को ना करें, 16 को कर सकते हैं, फिर आप 17-18-19-20 को ना करें, 21 को कर सकते हैं, ऐसे ही 22-23-24 को ना करें, 25 को कर सकते हैं, फिर आप 26-27 को ना करें, 28 को कर सकते हैं, फिर आप 29 को ना करें, 30 को आप बड़ी आसानी के साथ शादी ब्याह कर सकते हैं। अब अगर मई के महीने में आप जाना चाहते हैं, तो मई के महीने में आप 1-2-3-4 को ना करें, 5 को कर सकते हैं, 6-7-8-9 को ना करें, 10 को कर सकते हैं, 11-12-13 को ना करें, 14 को कर सकते हैं, फिर आप 15-16 को ना करें, 17 को कर सकते हैं, 18 को ना करें, 19 को कर सकते हैं, फिर आप 20-21-22 को ना करें, 23 को आप बड़ी आसानी के साथ शादी ब्याह कर सकते हैं, फिर आप 24-25 को ना करें, 26 को कर सकते हैं, ऐसे ही 27-28 को ना करें, 29 को कर सकते हैं, फिर आप 30-31 को शादी ब्याह ना करें। ये थी मई के महीने की जानकारी। अब अगर आप जून के महीने में जाना चाहते हैं, तो जून के महीने में आप 1 जून को ना करें, 2 को कर सकते हैं, 3-4 को ना करें, 5 को कर सकते हैं, 6 को ना करें, 7 को कर सकते हैं, फिर 8 को ना करें, 9-10 को कर सकते हैं, फिर आप 11 को ना करें, 12 को कर सकते हैं, ऐसे ही 13 को ना करें, 14 को कर सकते हैं, फिर 15 को ना करें, 16 को कर सकते हैं, फिर आप 17 का डेट ना रखें बल्कि 18-19 का रख सकते हैं, फिर आप 20 का ना रखें, 21 का रख सकते हैं, फिर आप 22 का नहीं बल्कि 23 का रख सकते हैं, ऐसे ही 24-25 का ना रखें बल्कि 26 का डेट आप रख सकते हैं, ऐसे ही आप 27-28-29 का ना रखें बल्कि 30 जून की डेट आप रख सकते हैं। अब अगर आप जुलाई के महीने में जाना चाहें, तो 1-2 को ना करें, 3 को कर सकते हैं, फिर आप 4-5 को ना करें, 6-7-8 को कर सकते हैं, फिर आप 9 को ना करें, 10 को कर सकते हैं, ऐसे ही 11 को ना करें, 12 को कर सकते हैं, फिर आप 13-14 को ना करें, 15 को कर सकते हैं, 16-17-18 को ना करें, 19 को कर सकते हैं, फिर आप 20-21 को ना करें, 22 को आप बड़ी आसानी के साथ शादी ब्याह कर सकते हैं, फिर आप 23 को ना करें, 24 को कर सकते हैं, 25 को ना करें, फिर आप 26-27 को कर सकते हैं, ऐसे ही 28 को ना करें, 29 को कर सकते हैं, फिर आप 30 को ना करें, 31 को आप बड़ी आसानी के साथ शादी ब्याह कर सकते हैं। अब अगर जुलाई के बाद आप अगस्त के महीने में जाना चाहें, तो अगस्त के महीने में आप देख सकते हैं, 1-2 को ना करें, 3 को कर सकते हैं, फिर आप 4-5-6 को
ना करें 7 को कर सकते हैं, ऐसी 8, 9, 10, 11 को ना करें 12 को कर सकते हैं, आप 13, 14, 15 को ना करें 16 को कर सकते हैं, ऐसे ही 17, 18 को ना करें 19 को कर सकते हैं, फिर आप 20, 21 को ना करें 22 को कर सकते हैं, ऐसे ही 23, 24, 25 को ना करें 26 को कर सकते हैं, फिर आप 27, 28, 29, 30 को ना करें 31 तारीख को आप शादी ब्याह कर सकते हैं। सितंबर के महीने में अगर आप शादी के डेट्स देखना चाहते हैं तो सितंबर की 4 तारीख को आप शादी ब्याह कर सकते हैं, फिर आप 9 तारीख को कर सकते हैं, ऐसे ही 13 तारीख को आप कर सकते हैं, फिर आप 16 को कर सकते हैं, ऐसे ही 19 तारीख को कर सकते हैं, फिर आप 23 को शादी के डेट रख सकते हैं, फिर आप 26 को रख सकते हैं, ऐसे ही 28 को रख सकते हैं। ये थी सितंबर महीने की जानकारी। अक्टूबर 2024 में अगर आप शादी ब्याह के लिए सोच रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में आप 2 तारीख को कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, 7 को कर सकते हैं, 9 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, 12 को कर सकते हैं, फिर आप 17 को कर सकते हैं, 21 को कर सकते हैं, 24 को कर सकते हैं, 26, 28, 29 को कर सकते हैं, फिर आप 31 को कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर आप नवंबर 2024 में शादी का सोच रहे हैं तो नवंबर की 2 तारीख, 4 तारीख, 6, 7 को आप शादी कर सकते हैं, ऐसे ही 9 को कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, फिर आप 16 और 17 को कर सकते हैं, फिर 19 तारीख को आप शादी ब्याह कर सकते हैं, फिर आप 21 को कर सकते हैं, ऐसे ही 24 तारीख को आप शादी ब्याह कर सकते हैं, फिर 28 को कर सकते हैं, फिर 31 तारीख को आप शादी ब्याह कर सकते हैं। अगर नवंबर में आपको तारीख समझ में नहीं आई हो बल्कि आप दिसंबर के महीने में जाना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने में आप देख सकते हैं, दिसंबर की 3 तारीख को कर सकते हैं, फिर 7 को कर सकते हैं, फिर आप 10 को कर सकते हैं, फिर आप 12 को कर सकते हैं, ऐसे ही 17 को कर सकते हैं, फिर आप 22 को कर सकते हैं, और फिर 26 को कर सकते हैं, और फिर आप 31 दिसंबर को बड़ी आसानी के साथ शादी ब्याह कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी 2024 के 12 महीने की शादी डेट्स। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर आपसे मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।